सरोकार। एसआईटी टीम ने किया छापेमारी, जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही एसआईटी, परिजनों ने किया पूछताछ। केंद्र सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है, आतंकवाद नक्सलवाद से जुड़े लोगों की संपत्ति से मालिकाना हक हटेगा। एसआईटी की छापेमारी में करोड़ों का माल जब्त, दिल्ली की फर्म के नाम पर तैयार हो रहा था माल। राजस्व कारों की डीएम ने की समीक्षा, आजमगढ़ में आरसी की वसूली करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। तुर्की सीरिया त्रासदी में 15,000 मौतें, सीरिया में 3,00,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर अलीगढ़ से है, जहां अतरौली के मोहल्ला सराय बली बसुआ बाला मंदिर स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे चली मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, अज्ञात कारणों से लगी आग में लगभग 10,00,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ये 11:49 पर हमारे यहाँ पारिक्षित में सूचना आई है कि पशुआ मंदिर के पास एक कबाड़ का गोदाम है, जिसमें भयंकर आग लगी हुई है। हमारी यूनिट पूरी तैयारी के साथ आई खुद, और जब देखा तो यहाँ आग बहुत भयंकर रूप से लगी हुई थी। उसको काबू पाने के लिए अपनी एक दूसरी यूनिट भी बुलाई गई। इसके अलावा मुझे ये लगा कि थोड़ी और काबू हो रही है, तो फिर मैंने कालानगरी से एक यूनिट को कॉल किया और वो भी खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एसपी आवास स्थित कांसीराम कॉलोनी में एक किशोरी छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। खबर बदायूं जिले के बिसौली नगर के मोहल्ला गुलाब बाग से है, जहां दुकानदार ने गुंडों को फ्री सिगरेट ना देने पर गुंडों ने जमकर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी और दुकानदार और उसके पिता की घर में घुसकर जमकर मारपीट की। बता दें, मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम की जाँच पड़ताल में जुट गई। जो है दो मतलब लड़के कई एक आए थे, तो बाहर जो है मेरे बच्चे की छोटी सी दुकान है लड़के की, तो उससे सिगरेट मांग रहे थे और कह रहे थे हम पैसे नहीं देते हैं। उसने कहा भैया मेरी छोटी सी दुकान है, मैं अगर पैसे के नहीं दूंगा। इसी बात पे जो है उन्होंने उसको पकड़ के खींच लिया और जो है खूब गिरा लिया, मारा पीटा। मैं जब बचाने गया तो मुझे भी गिरा लिया, और मैं जो है अंदर घर के जब भागा तो वो भी अंदर पीछे पीछे आए, और उसके बाद मुझे लात घूंसों से जो है कछेड़ते हुए मारा, और मैं जो है बचने की बहुत खबर गोंडा से है, जहां जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद एडवोकेट अनिल सिंह, राकेश त्रिपाठी, ब्रजेश अवस्थी और महेंद्र सिंह के घर पर एक साथ 4 लोगों ने 6 जगह पर छापेमारी की जा रही है। एसआईटी टीम के साथ नगर पुलिस की संयुक्त छापेमारी की जा रही है और टीम जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। बता दें, 4 आरोपी पिछले 1 महीने से जेल में बंद है और 4 आरोपियों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और एसआईटी की टीम परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। खबर
हरदोई से है, जहां बिलग्राम के सदर बाजार में वस्त्र और ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। बता दें, दुकानदार की नजर हटते ही महिलाओं ने साड़ियां चोरी करने का प्रयास किया तो दुकानदार ने चोरी करती महिलाओं को पकड़ लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया और जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।